बात पर उनकी उम्मत पर। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम जो मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम बात करनी उस मुल्क की है जहां पर पाकिस्तान की तमाम अशराफिया लूट के माल लेके जाती है, बच्चे भी वहीं पढ़ाती है, छींक आए तो इलाज भी वहीं से करवाती है, वहीं पर इनके घर, वहीं पर इनकी जायदादें, वहीं पर इनका लेना देना। हमारे जैसा अगर किसी गांव से निकल के पढ़ा के वहां पहुंच जाए और वहां सारा कुछ कमा के यहां ले आए तो हमें ये दोहरी शरीयत वाला कहते हैं, हालांकि हमारे पास शरीयत नहीं है किसी और मुल्क की, ना पासपोर्ट है ना शरीयत है, हमें ये दोहरी शरीयत कहते हैं। और ख़ुद ये वहाँ बैठे हैं इसलिए उस मुल्क की मुझे बात करना सबसे ज़रूरी है इस वक्त। वो क्यों ज़रूरी है बात करना? इसलिए ज़रूरी है कि जब से मेरी बाजी मरियम वहाँ गई हैं उस मुल्क के साथ भी वही हुआ है जो यहाँ हुआ। अब वहाँ क्या हो रहा है सुनते जाइएगा। वज़ीर आज़म की और फाइनेंस मिनिस्टर की आपस में लड़ाई हो गई। जी भाई माइक सर ऊपर कर लेंगे। वज़ीर आज़म की और फाइनेंस मिनिस्टर की आपस में लड़ाई हो गई, वहाँ पर जो डिफरेंट उनके वज़रा और दूसरे हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। जो पार्टी इस टाइम हुकूमत में है वो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रही है, बरतानवी वज़ीर आज़म से। जो सरमायाकार हैं पूरे मुल्क के वो कहते हैं मईशत डूब गई। अवाम जो है वो कहते हैं हमें चूल्हे में गैस नहीं मिलनी, सर्दियों में हमारे चूल्हे में जलने के लिए गैस का इंतज़ाम नहीं है क्योंकि वहाँ सर्दी बड़ी पड़ती है, घरों को गर्म करने के लिए गैस का इंतज़ाम नहीं है, गैस की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। मतलब के नफसा नफसी का आलम है। साड़ी धी राणी जिथे जाती है उथे यहो जी कर्म लैके जाती है, साड़ी सोहनी भैन उथे गई है तो माशाला जो बरकत इतने छड़िया सन इन्होंने वो ही बरतानिया पा दतिया ने। अब आप खुद इनकी नहूसत का आलम देखें कि बरतानिया जो कि ऐसा राज था जिसकी राजधानी में सूरज गरूब नहीं होता था, उस मुल्क के पासे और चूड़े भन के रख दिए इन्होंने, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। आज वो एक दूसरे से छित्रो छित्री हुए हुए हैं, इकॉनमी शैम्बल्स में है, पता नहीं ये वज़ीर आज़म टिक सकेगी कि नहीं, पता नहीं रिज़ाइन करेगी, वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन आप तमाम लोग क्योंकि साफ़ी खड़े हैं और वकला पढ़ी लिखी सारी कम्यूनिटी खड़ी है, आप आज से दो हफ्ते पहले की न्यूज़पेपर उठा के देख लें, बरतानिया में बिल्कुल शांत, वही नतज वहाँ दिए हैं जो पाकिस्तान में देते थे। तो एक तो दुआ उठा के मेरी अल्लाह सुबहान तआला से दुआ है कि बरतानिया वालों बरतानिया पे ख़ास रहम करें, क्योंकि इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो आप बरतानिया के साथ जो होने वाला है वो मुझे लगता है कहीं वहाँ भी 20-25 MNA MPA ना बिक जाएँ, वहाँ पर भी लोटा क्रेसी ना शुरू हो जाए और बरतानिया वाले सोचें कि ये हमने किन को पनाह दे बैठे हैं। दूसरी तरफ बाजी ने कल कोई पाकिस्तानी 20-25 लाख रुपए का उर्फे आम में बता रहा हूँ फर वाला कोट पहना हुआ था और साथ बाबूजी भी खड़े थे बड़े, दोनों ने उन्होंने शायद एलवी का स्काफ पहना हुआ था। तो हमारे दोनों लीडरान जो हैं उनके पास कोई बयानिया नहीं है इसलिए अब वो कपड़े बेच रहे हैं जो पहने हुए हैं। तो मेरा मशवरा है कि आपने क्योंकि सब कुछ बरतानिया में ले गए हुए हैं, सियासत तो अब आपकी यहाँ रही नहीं जो आपने आवाम के साथ किया है, तो आप बेहतर है कि आप वहाँ मॉडलिंग ही शुरू कर दें। मैं ये किसी बुरे तनाजर में नहीं कह रहा, मैंने पहले कहा वो बहन है हमारी, मॉडलिंग का मतलब ये है कि जैसे मियाँ साहब ने वो एलवी का पहना हुआ है तो आपके किए हुए करतूतों पे आपसे जवाब सुनना चाहती है, वो आपको लुई विटॉन के स्काफ पहन के खड़े होते वहाँ नहीं देखना चाहती। दूसरी बात मैंने ये करनी है कि तरफ अकेला इमरान खान और उसकी पब्लिक और ऊपर अल्लाह की ज़ात, और दूसरी तरफ ये 13 जमातें और इनको मयस्सर तमाम ताकत एक तरफ खड़ी है, और उसके बावजूद जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो हुआ है हल्के इनकी पसंद के, मैदान इनकी पसंद का, उम्मीदवार इनकी पसंद के, वक्त और दिन इनकी पसंद का, और आगे अकेला खान, लेकिन क्योंकि जब कोई कौम कोई इंसान ताकतवर नहीं होता, ताकतवर अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद ताकतवर होता है जमहूर अवाम। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मुझे लग रहा है मेरी बड़ी जान है,
मैं एक बात गलत करूं, ये आप सब लोगों की आवाज इतनी जोर से उठेगी कि मुझे जितना मर्जी जोम है मेरी आवाज पे वो दब जाएगी आप सबकी आवाज में। तो जान एक ही आवाज में होती है, वो जमहूर में होती है। तो जो जमहूर की ताकत है वो इमरान खान के साथ आ खड़ी हुई, और इमरान खान के साथ खड़ी होने की वजह से आपने देखा कि वाइट वॉश किया इमरान खान ने। एक सीट जहां पर इमरान खान लड़ रहे थे कराची में, वो आपके सामने ठप्पा माफिया ने क्या किया है, वहां फेयर इलेक्शन करवाएं, रिजल्ट वही होगा। फैसलाबाद जो राणा सनाउल्ला का अपना घर था, ये तो बड़ी डींगे मारते ना, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना है, वो आपने तो कर देना है, हमने तो कर दिया आपके साथ। आप जब कर देंगे तब देखेंगे, आपके साथ जो हो चुका है वो तो देख लें। आपकी राणा साहब मूंछ अब 1 मिनट पीछे हो चुकी है, तो आप अपनी मूंछों को बराबर करें वापस। आप अपने वार्ड से हार गए, आबद शेर अली अपने वार्ड से अपनी घर के पोलिंग स्टेशन से हार गए, आपके वहाँ जो मुकामी एमपीए थे वो अपने पोलिंग स्टेशन घर से हार गए। मैनू लगता है कि साड़ी भैन है राणा सनाउल्ला साहब की, बेगम साहबा, और मेरी बाजी ने भी इन्होंने वोट नहीं दिता क्योंकि बड़ी सियानी बाजी है, ऊपर करके रखी है, उन्होंने भी पता है कि गलत साइड से खड़े ने राणा साहब इस बारी। इसलिए राणा साहब आप बजाय सस्ती किस्म की बड़के मारने की और सस्ती किस्म की धमकियां देने की, आपके लिए बेहतर ये है कि आप कौम से माफ़ी मांगें। ये जो जुर्म आपने किया, 55 रुपये का आटा जो महंगा था उसको आपने 125 रुपये पर करके सस्ता कर दिया, 6% ग्रोथ पे जो मुल्क डूब रहा था उसको आज आपने पूरे एशिया में बदतरीन, श्रीलंका के बाद बदतरीन माइनस ग्रोथ में ले जाके अब 2 से भी नीचे हम हैं ग्रोथ में, वो ठीक था। डॉलर जो 176 रुपये पे रुपए के साथ उसका कंपैरिजन बहुत बुरा था, वो आज आप खुद कह रहे हैं कि 200 पे होना चाहिए, लेकिन बिक आज भी मार्केट में 235-232 पे रहा है और 250 तक गया है ये। तो ये किसने पैसा बनाया सारा, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और दूसरी हमारी एक बाजी है तानियाती, बाजी तानियाती, पिछले दिनों आपने उनका एक वीडियो क्लिप सुना होगा, वो सिर्फ आंखें निकाल सकती, उंगली निकाल सकती हैं, उर्दू भी नहीं बोल सकती ठीक, वो तैनाती को तानियाती बोल रही थी बार बार। तो बाजी ट्यूशन पढ़ लें, क्योंकि आगे आपने इंशाल्लाह फारिग ही रहना है, तो कुछ ट्विटर रखें, कम अज़ कम उर्दू बोलना शुरू करें, अच्छी उर्दू सीखना शुरू करें आप। उन्होंने भी सिगरेट माफिया में अपने शौहर के साथ मिलके अरबों रुपया बनाया है, उसका जवाब नहीं देती मरियम। बाजी मरियम तानियाती है, मैं बाजी मरियम औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, वो जो बाजी तानियाती है वो सिगरेट में किए हुए फ्रॉड का जवाब नहीं देती, वो अभी भी आटा चोर, चीनी चोर, वो वाली गर्दान। तो अब तो बाजी बच्चों को पता है कि ये चोर कौन है। इस मुल्क का किसान 4.4% पे ग्रो कर रहा था, मेरे साथ कुरैशी साहब खड़े हैं, मेरे साथ पीछे कुरैशी साहब खड़े हैं, वो साउथ पंजाब से आए हैं, साउथ पंजाब में जो किसान का हाल है वो आपको बेहतर बता सकते हैं। इस टाइम किसान की कमर टूट चुकी है 4.4% पे, मुझे पता है आप वो बिजली के बिलों, लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचे किसान अगर आपके ही हाल हैं, क्योंकि हमें कैश मिल जाता है तनख्वाह की सूरत में 7.5 सालों के, आपको नहीं मिलता मुझे पता है, कई कई महीने लटकाया जाता है, लेकिन बाकी लोगों को चलें फिर भी महीने के आखिर पे को पैसे आ जाते हैं, लेकिन किसान को तो 6 महीने बाद पैसे आने होते जब उसने फसल बेचनी है। तो किसान के इस टाइम हालात बहुत बुरे हैं, और इस वजह से किसान दुआएं कर रहा अल्लाह मियां से कि ये जो नहूसत हमारे ऊपर आई इससे जान छूटे। इंशाल्लाह इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी देंगे, भागने के ये तमाम लोग अपना प्रोग्राम बना चुके हैं। बाजी जो मेरी गई हैं लंदन, वो जाते हुए तो एक ही बैग पकड़ा हुआ था हाथ में, लेकिन उस फ्लाइट में बाजी के लगेज में कितने बैग बुक हुए हैं वो ज़रा चेक करवाएं। हाथ में तो एक ही बैग था, लेकिन लगेज में कितने सारे हमारी बाजी बैग लेके गई हैं वो ज़रा चेक करवाएं। ये यहाँ से फरार हो चुके हैं, इन्हें अपनी करतूत का पता चल चुका है, जुल्मत के और इस नहूसत के बादल जो हैं वो छटने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये यहाँ से भागेंगे भी, आपको यही राणा सनाउल्ला साहब कहीं और से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र आएंगे, सिर्फ उस दिन जिस दिन इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल मेरा लीडर
इस टाइम मुनासिब दिन का इंतज़ार कर रहा है, आवाम पूरी उसके पीछे तैयार है। और आप देखेंगे जैसे ही इमरान खान ऐलान करेंगे, आप देखेंगे कि इनको भागना भी पड़ेगा, और ये जो डॉलर सस्ता करने आए हैं ना, ये आपको फिर किसी के जहाज़ में बैठ के भागते आपको नज़र आएंगे। और इनसे मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, कैसे डॉलर नू ठीक करन आए सन, उत्थे पाउंड दियाँ तबाहियाँ मचा दतियाँ ने, पाउंड और डॉलर बेचारा बराबर हो गया है। सो मेहरबानी करके हमारा डॉलर आप ठीक ना करें, जो आपका असल घर है आप उनका कुछ कर लें। जी कोई सवाल आज देखिए, बात यह है कि आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, लॉन्ग मार्च जो है वो करना किस चीज़ के लिए करना, इस चीज़ लिए कि इस नहुसत से जान छूटे। ये जो मुल्क के ऊपर नहुसत आई हुई है, एक परेशानी आई हुई है, एक गमो गुस्सा है आवाम के अंदर, इससे आवाम की जान छुड़ाई जाए। तो आपको भी पता है कि गोल पोस्ट के अंदर गोल वहाँ से स्ट्राइक करते हैं जब बिल्कुल क्लियर हो कि यहाँ से गोल होना है, और आप वहाँ पर फिर जाकर डबलिंग भी करते हैं, आप उलझाते भी हैं मुखालिफ प्लेयर और इंतज़ार करते हैं अपने वक्त का। तो कप्तान बिल्कुल क्लियर है अपनी स्ट्रेटजी में। आवाम का मूड आप यहाँ देख लें, यहाँ सर्वे करा लें जिधर खड़े हैं, कि कितने बंदे लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो आपको नज़र आ जाएगा कि आवाम पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ कप्तान जो है वो आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, जैसे ही उसे मोमेंट नज़र आया इंशाल्लाह गोल पोस्ट के अंदर फुटबॉल होगा और ये चोर आपको यहाँ से जाते हुए नज़र आएंगे 1-0 के ऊपर इंशाल्लाह।